Thank you for clicking to understand the literary devices of the poem entitled The Night Mail by W.H. Auden. इस पोम का अगर आपको एक्सप्लेनेशन या उसकी समरी या थीम्स अगर चाहिए तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ एक वीडियो में. मैं आपको लिंक शेयर कर दे रही हूँ, विजिट दैट. तो फिलहाल इस वीडियो में केवल मैं डिस्कस करूंगी लिटरेरी डिवाइसेस. लेट्स गेट स्टार्टेड. लिटरेरी डिवाइस का यूज किया जाता है पोम को ब्यूटिफाई करने के लिए और सुंदर बनाने के लिए. सबसे पहला लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब कभी पोएट किसी नॉन लिविंग चीज को लिविंग बनाकर किसी लाइन में पेश करता है या डिस्क्राइब करता है, तो हम कहते हैं कि पोएट ने कौन सी डिवाइस यूज करी है पर्सोनिफिकेशन. तो यहाँ पर एक लाइन है, शॉबलिंग वाइट स्ट्रीम ओवर हर शोल्डर. शॉबलिंग किसे कहते हैं? शॉबल कहते हैं फावड़े को, स्पेड को. तो शॉबल के हेल्प से जो काम किया जाता है मिट्टी उठाने का या किसी चीज को इधर उधर करने का, उसे शॉबलिंग कहते हैं. तो यहाँ पे नाइट मेल को डिस्कस किया था कि वो अपने जब आगे बढ़ रही है, अपने को आगे खींच रही है, तो ऐसा लग रहा है मानो वो जो स्टीम फेंक रही है वो स्टीम फेंक नहीं रही है बल्कि वो शॉबल की हेल्प से अपने कंधों पर डाल रही है. तो शोल्डर किसका होता है? इंसान का तो होता है ना. क्या नाइट मेल इन ट्रेन का भी शोल्डर होता है क्या? नहीं ना. तो क्या हो रहा है कि नाइट मेल को पर्सोनिफाई किया जा रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे यूज हुआ है पर्सोनिफिकेशन. इसी तरीके से एक और लाइन है, स्नोटिंग नॉइजली एज शी पासेस. तो नाइट मेल को बोला जा रहा है, स्नोटिंग का मतलब होता है खर्राटे लेना, नाक से आवाज निकालना. तो जब वो आगे बढ़ रही है तो जो इंजन उसका जो बोलता है, नॉइज करता है, तो उसके लिए पोएट ने यूज किया स्नोटिंग. स्नोटिंग जो होता है खर्राटे लेने की आदत किसकी होती है? पर्सन की होती है ना. तो वैसे ही यहाँ पर नाइट मेल को स्नोटिंग करना दिखाया गया है. इस वजह से हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लाइन में भी पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है. एक और लाइन है, बट शी इज ऑन टाइम. तो टाइम पे कौन होता है? इंसान होते हैं. तो इस लाइन में भी पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है. नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है वो है इमेजरी. देखिए, इमेजरी इज नॉट अ फिगर ऑफ स्पीच. पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, सिमिली, ये सब जो होते हैं ये फिगर ऑफ स्पीच होते हैं. ठीक है, इमेजरी आपका एक लिटरेरी डिवाइस होता है. लिटरेरी डिवाइसेस एक कॉमन टर्म है जिसके अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच आते हैं. लिटरेरी डिवाइसेस कई तरीके के होते हैं. यानी पोम को कुल मिला के ब्यूटिफाई करने के लिए अलग अलग चीजें यूज होती हैं. कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच यूज होते हैं तो कुछ डिवाइसेस यूज होती हैं. तो इमेजरी का मतलब क्या होता है? किसी पोइट ने इमेजरी अपने पोम में डाली है कि नहीं डाली है, या प्रेजेंट है उसकी पोम में इमेजरी की नहीं, कैसे पता करते हैं? इमेजरी बनाए इमेजेस से. अगर पोम को पढ़ने के बाद आपकी आंखों के सामने इमेजेस बन के आ रहे हैं साफ साफ, आपने कोई लाइन पढ़ी तो आपको दिखने लगा, वो इमेज बन के आने लगे आपकी इमेजिनेशन में, तो दैट मीन्स पोइट इज सक्सेसफुल कि उसने आपको इमेजेस फॉर्म करवा दिए. ठीक है, दैट मीन्स यू कैन से कि इमेजरी इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर पोम. तो यहाँ पे कौन सी ऐसी लाइंस है जिनके जरिए हमको पिक्चर्स दिखाई पड़ रहे हैं? तो ये एक लाइन है, पास्ट कॉटन ग्रास एंड मोल एंड बोल्डर. कॉटन ग्रास कहते हैं टाइप ऑफ ग्रास दैट ग्रोस इन वेट एरियाज, और मोल एंड कहते हैं एन ओपन एरिया अनकल्टिवेटेड लैंड टिपिकली कवर्ड इन हीदर. बोल्डर एक लार्ज रॉक को कहते हैं जो वाटर की वजह से स्मूथ हो जाता है. ये सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन में भी बता चुकी हूँ. तो फिलहाल इस लाइन के जरिए ये बताया गया है कि ट्रेन कैसे कैसे किस किस चीजों को पास कर रही है. तो कॉटन ग्रास को पास होती हुई जा रही है, मोलैंड यानी अनकल्टिवेटेड लैंड पर कुछ रॉक्स हैं बड़े बड़े से, बोल्डर रॉक्स को कहते हैं. तो ये रॉक्स हैं और ये कॉटन ग्रास हैं. तो कॉटन ग्रास के जो इमेजेस हैं, जो बोल्डर के इमेजेस हैं, वो जो है हमारे आंखों के सामने लाने की कोशिश करी है. दैट मीन्स ये इमेजरी कहलाती है. कुछ और लाइंस हैं, साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस. तो विंड बेंट ग्रासेस मतलब हवा से जो ग्रासेस है वो बेंड हो चुकी हैं. तो आप खुद से सोच के देखो, इमेजेस आ रहा होगा आपके आपके आंखों के सामने. तो वो साइलेंट माइल्स को कवर कर रही है, नहीं, बहुत शांति से आगे बढ़ रही है विंड बेंट ग्रासेस को क्रॉस करती हुई. इसी तरीके से एक और लाइन है, अ जग इन अ बेडरूम जेंटली शेक्स. यानी सब लोग तो आराम से सो रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है नाइट मेल जब रात को आगे बढ़ रही है, लेकिन कमरे में रखा जाने वाला जो जग है वो शेक कर रहा है, हिल रहा है जेंटली मतलब सॉफ्टली. तो जग हिल रहा है, दैट इज ऑल्सो एन इमेज. दैट्स वाई वी कैन से विद दीज थ्री लाइन्स, यस, इमेजरी इज प्रेजेंट इन द पोम. नेक्स्ट इज मेटाफर. मेटाफर कहते हैं जब किसी दो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन होता है और बिना लाइक, एज या कोई और वर्ड का इस्तेमाल हुए बिना. तो यहाँ पे स्टडी क्लाइम जो फ्रेज यूज हुआ है वो जर्नी को बोला गया है. लाइन पूरी ये है, पुलिंग अप बीटा का स्टडी क्लाइम. तो ट्रेन की जर्नी को स्टडी क्लाइम बोला गया है.
तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, स्टेडी क्लाइम यानी जो चढ़ान होता है ना, ढलान टाइप का, एक नीचे वाला ढलान होता है, एक ऊपर चढ़ान जो होता है, तो क्लाइम उसी को बोला, स्टेडी का मतलब बहुत शार्प है वो बीटेक विलेज को जब वो पार करती है, तो स्टेडी क्लाइम किसको बोला जा रहा है, ट्रेन की जर्नी को बोला जा रहा है, दैट मीन्स इट इज अ मेटाफर, यानी कंपैरिजन हो रहा है ट्रेन की जर्नी का क्लाइम से। इसी तरीके से ग्रेडियंट इज अगेंस्ट, और यहाँ पे ग्रेडियंट जो है वो कंपेयर किया गया है डिफिकल्टीज और ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ से, ठीक है। तो जिस तरीके से नाइट मेल के सामने ग्रेडियंट आ रहा है, वैसे ही इंसान के सामने उसकी लाइफ में क्या आते हैं, ऑब्स्टेकल्स एंड डिफिकल्टीज। तो यहाँ पर ग्रेडियंट जो है वो जो कि नाइट मेल का जो ग्रेडियंट है वो लाइफ की ऑब्स्टेकल्स और लाइफ की डिफिकल्टीज से कंपैरिजन हुआ है। नेक्स्ट डिवाइस है रिपीटेशन, लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, सो लेटर्स फॉर द इज रिपीटेड, तो इसे कहते हैं रिपीटेशन। तो यहाँ पर क्लास डिवीजन के लिए हर सोसाइटी के हर मेंबर के लिए लेटर्स पहुंच रहे हैं, तो इसको दिखाने के लिए यहाँ पर रिपीटेशन यूज किया है पोएट ने। नेक्स्ट है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन कहते हैं किसी एक ही लेटर का बार बार रिपीट होना, चाहे वो फॉरन बाद में हो, यानी पहला वर्ड दूसरा वर्ड तीसरा वर्ड लगातार रिपीट हो रहा है, कोई एक लेटर की बात कर रही हूँ लेटर, या फिर एक एक वर्ड के गैप के बाद कोई लेटर रिपीट हो रहा है, तो वहां भी हम एलिट्रेशन बोलते हैं। सो यहाँ पे एक लाइन है, शॉबलिंग वाइट स्ट्रीम ओवर हर शोल्डर, यानी यहाँ पे एस रिपीट हो रहा है लेटर, तो शॉबलिंग स्ट्रीम शोल्डर, तो हम बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर लाइन में यूज हुआ है एलिट्रेशन। और एक लाइन में और एलिट्रेशन यूज हुआ है, स्टेयर फ्रॉम द बुशेस एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस, तो बी और बी यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो हियर इज ऑल्सो एलिट्रेशन। नेक्स्ट फिगर स्पीच जो यूज हुआ है वो हुआ है सिमिली, टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ एपरेटस द फर्नेसेस सेट ऑन द डार्क पेन लाइक जाइगेंटिक चेसमैन, तो एपरेटस ऑफ फर्नेसेस को कंपेयर किया गया है, जाइगेंटिक चेसमैन बोला गया है, लाइक शब्द की हेल्प से ऐसा किया जा रहा है कंपैरिजन, तो इसका मतलब सिमिली यूज हुआ है यहाँ पे। एक बार फिर से ये लाइन देखिएगा, स्नोटिंग नॉइजली एज शी पासेस, तो इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि जब स्नोटिंग आ रहा है तो ये पर्सोनिफिकेशन है इसमें, क्योंकि नाइट मेल को स्नोटिंग दिखाया गया है, नाइट मेल इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग बट उसको पर्सन वाली क्वालिटी बताई जा रही है, पर्सोनिफाई किया जा रहा है, लेकिन स्नोटिंग एक आवाज को शो करता है, तो जब कभी भी कोई वर्ड ऐसा पॉइंट यूज करता है जिससे कुछ आवाज का सेंस आता है, तो हम कहते हैं कि वहां पे एक फिगर स्पीच यूज हुआ है ऑनोमेटोपिया, ठीक है। तो ऑनोमेटोपिया इज ऑल्सो यूज इन द सेम लाइन, इन द सेम वे दिस लाइन शोज टुवर्ड्स द स्टीम टर्क्स येल्पिंग डाउन द ग्लेड ऑफ क्रेन्स, तो यहाँ पे स्टीम टर्क्स येल्पिंग, येल्पिंग का मतलब ही होता है शाउटिंग, तो स्टीम टर्क्स, टर्क्स कहते हैं शिप्स को, बोट्स को, तो वो जब आगे बढ़ रही है तो भी आवाज निकाल रही है, तो येल्पिंग वर्ड भी हो रहा है यूज स्टीम टर्क्स के लिए आवाज के सेंस में, तो इस लाइन में भी हम कहेंगे कि ऑनोमेटोपिया यूज हुआ है। नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है वो है एंजामेंट, देखिए एंजामेंट क्या होता है, ये भी एक पोइटिक टर्म है, पोइटिक डिवाइस है, कभी कभी जो पोइट्स होते हैं वो एक लाइन को इनकम्प्लीट रहने देते हैं, उसका जो कम्प्लीट सेंस आता है वो सेकेंड लाइन पढ़ने से आता है, ठीक है। तो सेंटेंस या फ्रेज को वो इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, वो सेकेंड लाइन में कम्प्लीट करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप फर्स्ट लाइन पढ़ोगे तो आपका पूरा मीनिंग नहीं क्लियर होगा, सेकेंड लाइन से पढ़ने के बाद ही क्लियर होगा, या कह सकते हैं सेकेंड लाइन का जो कनेक्शन है वो फर्स्ट लाइन से हो रहा है, ठीक। वरना जो लाइंस लिखते हैं लगातार पोइट्स, तो उसके बाद सेमी कॉलन्स यूज होते हैं ना, तो यहाँ पे बिना सेमी कॉलन कॉमा लगे हुए पूरा जो सेंटेंस होता है वो दो लाइंस में दिया होता है, ठीक है। जैसे रिसीटेड बिल्स एंड इन्विटेशंस, नो कॉमा देयर, और वहां पे जो रिसीटेड बिल्स और इन्विटेशंस लेटर्स को रेफर कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या होता है, तो पर्पस इज गिवन इन द नेक्स्ट लाइन, टू इंस्पेक्ट न्यू स्टॉक और टू विजिट रिलेशंस। अगर आप केवल ये लाइन पढ़ो, टू इंस्पेक्ट न्यू स्टॉक और टू विजिट रिलेशंस, तो ये क्या, इसका सब्जेक्ट क्या है, किसकी बात हो रही है, इसका सब्जेक्ट है ऊपर वाली लाइन में, अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो कंटिन्यूएशन का जो फॉर्म होता है इसे कहते हैं एंजामेंट। एक और एग्जाम्पल है, ड्रीमिंग ऑफ टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स और ऑफ फ्रेंडली टी बिसाइड द बैनन क्रैंस्टन्स और क्रॉफोर्ड्स, तो ड्रीमिंग ऑफ टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स के बाद अगर आप केवल ये लाइन पढ़ोगे फ्रेंडली टी बिसाइड, तो वॉट फ्रेंडली टी बिसाइड, वो भी ड्रीमिंग के बारे में ही बताया जा रहा है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है, नन विल हियर द पोस्टमैन स्नॉक, नन विल हियर द पोस्टमैन स्नॉक वॉट, विदाउट अ क्विकनिंग ऑफ द हार्ट, और विदाउट अ क्विकनिंग ऑफ द हार्ट इज कनेक्टेड विद द अबव लाइन, अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज एंजामेंट। हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो, वॉज इट यूजफुल और नॉट फॉर यू, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, सब्सक्राइब फॉर सच मोर वीडियोज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स प्लीज, मोर एंड मोर।